नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जेवर एयरपोर्ट दूसरे राउंड में चार गांव की भूमिका होगा अधिग्रहण। खाका तैयार करने में जुटे अधिकारी 2023 तक जेवर में विस्थापित हो जाएंगे चारों गांव। दोस्तों, तो जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण में चार गांव की भूमिका अधिग्रहण होने वाला है और अधिकारी इसका खाका तैयार कर रहे हैं। 2023 तक सभी गाँव जेवर बांगर में विस्थापित हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन का जेवर एयरपोर्ट में जाने वाले गांवों को बुधवार तक खाली कराने का अल्टीमेट जारी है और विस्थापित स्थान पर शौचालय नहीं होने से किसान परेशान हैं। जिन गांवों को जेवर में विस्थापित किया जा रहा है, उक्त स्थानों पर तेज़ गति से किसान अपने मकानों पर नवनिर्माण करा रहे हैं, जहाँ खुले आसमान के नीचे दिन रात रह के अपने मकानों को तैयार कराने में जुटे हैं, मगर उनके लिए प्रशासन ने शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं कराई है। तो बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में प्रथम राउंड की भूमि सकुशल अधिग्रहण करने के बाद अब प्रशासनिक अधिकारियों ने दूसरे राउंड में चार गाँवों की भूमि का अधिग्रहण करने व गाँवों को विस्थापित करने का खाका तैयार किया है। इन चार गाँवों में मकानों की गणना का कार्य कराया जा रहा है। ADM LA भगवान सिंह ने अपनी अधीनस्थों को साथ लेकर जेवर एयरपोर्ट में जाने वाले चार गांव रनहेरा, नगला, हुकम सिंह, कुरैब व नगला जानू की कुल 1334 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने का खाका तैयार कर लिया। वे चारों गांव की जनगणना की जिम्मेदारी शासन के आदेश पर प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी की संस्था सामाजिक समाघात निराधारण एजेंसी को सौंप दिया है, जो जेवर एयरपोर्ट में विस्थापित होने वाले गांवों की जनगणना करने में लगे हुए हैं। अधिकृत होने वाली भूमि के नोटिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। तो बड़ी अपडेट है, 2023 तक सभी को विस्थापित कर दिया जाएगा।